मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के नाम से ही दुर्गा नगर बसा है। दुर्गा नगर स्थित प्राचीन ज्वाला देवी मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, जहां भक्त मंदिर में अखंड ज्योति जलवाने आते हैं और यहां सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सन 1957 में महंत पंडित दयाल चतुर्वेदी ने यहां मंदिर में ज्वाला देवी की प्रतिमा की स्थापना की थी और इसके बाद लगातार यहाँ अखंड ज्योति जलती है। के सामने जो जलवाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी बताते हैं कि यहाँ पहली ज्योत मंदिर के संस्थापक पंडित प्रभु दयाल चतुर्वेदी ने 50 साल पहले जलाई थी। यहाँ घी की ज्योत अभी भी जल रही है। विदिशा दुर्गा नगर बसने से पहले यह जगह हाजी वली तालाब के नाम से प्रसिद्ध थी। सन 1957 में माँ दुर्गा ने प्रभु दयाल चतुर्वेदी को सपने में कहा कि इस मंदिर में दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा करा और यहाँ पर एक मंदिर बनवा। इसके बाद पंडित दयाल ने मंदिर बनवाया। उन्होंने चांदी का सिक्का भेंट किया जो प्राण प्रतिष्ठा के समय जमीन पर रखा गया था। पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 1957 की प्राण प्रतिष्ठा है। ये हमारे पिताजी को सपना दिया था कि माँ भगवती की आशीर्वाद के माँ ने उनको सपना दिया कि आप इधर मेरे प्राण प्रतिष्ठा कराओ और हाजी वली से कहा कि आप विदा हो और हाजी वली की जो दरगाह हैं उनको विदा करी और दुर्गा नगर के नाम से ये मंदिर स्थान जागृत हुआ और आज ये मंदिर स्वतः जागृत हुआ है और हजारों आदमियों की मनोकामना पूर्ण हो रही है, जिनकी आज 40 साल से ये घी की जो जल रही है विदेश में नरेंद्र कुमार मंडलो, ये एक हमारे चौरसिया उनकी घी की जो जल रही है 17 साल से, बाकी ज्योत 51 साल से मंदिर की जो जल रही है, 3 ज्योत अन्य भक्तों की जल रही है, 8 ज्योत 12 महीने जो जल रही है इस मंदिर में और नौ दुर्गों में 1008 ज्योत जलती हैं, जो ज्योत इसमें घी की न तेल की मिला के जलती है भक्तों की। अपार भीड़ सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है। ये मंदिर प्रातः 12 बजे रात को 1 बजे बंद होता है। इस मंदिर में सबकी जो मनोकामना लोग उनकी ज्योत जलाते हैं, शादी ब्याह वगैरह जो भी कामना होती है माँ उनकी पूर्ति करती है, उनकी आस्था का केंद्र है जी। तो हमने सुना यहाँ पे मतलब सीएम शिवराज सिंह के, हाँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और कई विदेश के आदमी लोग और कई यहाँ के मंत्री और जो यहाँ के सांसद विधायक उनकी सबकी जो जलती हैं। इस मंदिर में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की विगत 25 वर्षों से जो जल रही हैं और साधना सिंह भी इस मंदिर में आती हैं नमन करने और शिवराज जी भी आते हैं नमन करने और ये आज सबसे पहले जो उन्होंने इस दुर्गा मंदिर का रोड का निर्माण करवाया था। तो ये जैसे शिवराज सिंह जी की जो जलती तो इसके लिए पैसे, हाँ, इसके लिए उनको उनको जो प्रशांत श्रीवास्तव है वो आती हैं और मंथली इसके पैसे दे के जाती हैं मतलब। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। इस मंदिर में ये इतिहास का ये कि स्वतः जागृत मूर्ति है, आपके भगवती की आप पे कृपा होगी तो आप दर्शन करने पधारोगे और इस पे जिस पे कृपा हो जाती है उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। काफ़ी पुराना है, हमारे पूर्वज लगभग हमारे दादी दादाजी और उनके पहले के भी माँ बाप यहीं शुरू से आ रहे हैं। लगभग ये मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। अखंड दीपे जलाई जाती हैं, नवरात्रि के टाइम में काफ़ी दीपे जलाई जाती हैं, जोत जलाई जाती हैं, घी की जोत जलाई जाती हैं, तेल की जोत जलाई जाती हैं, देश विदेश से यहाँ पर जोतें जलाई जाती हैं। ज्वाला माई का क्या है, एक नाम है देवी जी का, जिससे मतलब ज्वाला का मतलब ही होता है कि वो सभी, अगर कोई दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, जो प्रवृत्ति जिनकी तामसी होती है, ऐसे लोगों का वो दमन करती हैं, इसलिए ज्वाला रूप में वो दमन करती हैं, इसलिए उनका नाम ज्वाला देवी है। यहाँ जोत कितने सालों से जल रही है? यहाँ जोत तो मैं जब से यहाँ आया हूँ लगभग 2000 से तुम्हें देख रहा हूँ, 2000 से पहले से ही जोतें यहाँ जल रही हैं और बराबर करीब करीब ये समझ लो शुरू में मैंने देखा 200-300 जोत जलती थी, अब करीब 700-800 जोत जलती हैं, उसमें घी की जोत जलती है और तेल की जोत जलती है।